गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। इट्स हेल रॉकर। आई होप यू आर एंजॉयिंग फैमिली टाइम विथ योर फैमिली इन दिस कोरोन टाइम। क्या करें, सब परेशान है, बट अपने अच्छे के लिए ये तो करना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं अपने, इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, ये सब हेलमेट्स, राइडिंग गियर, ये जैकेट, सब वेट कर रहा है, सब कुछ अपना वेट कर रहा है, पर कब क्वारंटाइन ख़त्म होगा और हम बाइक लेके निकलेंगे। मज़ा आएगा। आई थिंक हम लोगों को रोड पे बाइक ही बाइक दिखेंगी जब क्वारंटाइन ख़त्म होगा, तो बाइक ही बाइक दिखेगी। हो तो आज का व्लॉग ये होगा कि विल टॉक अबाउट माई ड्रीम बाइक। मैंने मेरी ड्रीम बाइक के लिए क्या क्या स्ट्रगल किया है वो मुझे आपको बताना था, क्योंकि 2-3 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों ने मैसेज किया था कि हमको भी ड्रीम बाइक चाहिए। और मैंने पूछा आपका एज कितना है, तो वो लोग ने बोला कि हम तो 11th में पढ़ते हैं। उन्होंने बोला अच्छी बात है, बट मेरा केस ऐसा नहीं था, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा आपको। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। और अगले पार्ट में पहुंचे हम, उसके पहले आप थोड़ा सा नेचर का मजा ले लीजिए। हे गाइस, तो आप लोग वापस आ गए। तो आज हम करने वाले हैं बातें। सबको पता ही है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो बात ही करेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना स्ट्रगल के बारे में बात करूं टू बाय माई बाइक विच आई बॉट राइट नाउ। इट्स माई ड्रीम बाइक Z1000। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। मैंने जो कुछ भी किया है अपने पैसों से खरीदा है। टुक सो मच ऑफ टाइम टू गेट देयर। मैंने जब Z1000 फर्स्ट टाइम देखी थी, वो उसके लॉन्च पे जब इंडिया में फर्स्ट टाइम वो लॉन्च हुई थी, आई थिंक 2013 और 2014, आई थिंक ऑन दैट ईयर ये बाइक लॉन्च हुई थी। हाँ, और मैंने जब फोटो देखी, हमारे यहाँ पे लोकल एक बाइकिंग ग्रुप है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सुपर बाइक्स थी नहीं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, अभी भी उतनी नहीं है पर काफ़ी हो गई है अभी। तो उसमें से एक मैं वो बेसिकली वो बाइकिंग ग्रुप को मैं फॉलो करता था, तो उसमें किसी ने ली थी और वो डाला था थंबनेल या फिर फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि गुजरात्स फर्स्ट Z1000। तब मैंने जब फोटो देखी तभी मैंने सोच लिया था कि यार मैं ये बाइक एक दिन लूँगा। मैंने सोचा उस टाइम पे, तो मैंने सोच लिया, बाद में मैंने ज़रा R&D किया और मैंने देखा, तो मैंने ऑनलाइन जाके उसका प्राइसिंग और वो सब देखा, तो वो ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए की थी। 17 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लोग 2-3 गाड़ी रखते उतने अमाउंट में। मैंने सोच लिया कि यार ये मेरा ड्रीम कभी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद जॉब करता हूँ और ये मैंने पार्ट टाइम में मोटो ब्लॉगिंग चालू किया है, कि मैं वैसे भी घूमने जाता हूँ, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मोटो ब्लॉगिंग चालू किया जाए, उसकी वजह से मैंने ये मोटो ब्लॉगिंग चालू किया हुआ है। और वापिस आते हैं बाइक के ऊपर, तो मैंने देखा कि वो बाइक 17 लाख रुपए की थी ऑन रोड। मेरा तो ड्रीम वहीं पर ख़त्म हो गया। मैंने बोला यार ये लूँगा, कब होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। सो ये रही वो फोटो, अगर सुन कर पा रहा है कि नहीं क्या मेरा, ये रही वो फोटो, आप नीचे देख सकते हो पॉज करके के, इसमें लिखा है फर्स्ट अगस्त 2014। ये वाली फोटो मैंने देखी थी और नीचे लिखा है गुजरात ओनली। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बाइक ये फोटो देखी थी, तब से मैंने सोचा था कि ये वाली बाइक मैं लूँगा। बट जैसे मैंने बताया, प्राइजेस देख के मेरा
सपना वहीं पे टूट गया कि कब मैं ले पाऊंगा ये वाली बाइक, और मुझे पता नहीं था सेकंड ही सही पर कब ले पाऊंगा वो। मैंने सोचा था कि यार ये तो 10-12 लाख के नीचे मिलेगी नहीं, इतनी महंगी बाइक है। और बाय द वे सब लोग जो लोग जानते नहीं है, ये CBU यूनिट ही बनता है Z1000, वो डायरेक्ट जापान से इंपोर्ट होके इंडिया में आती है, उसका एक भी पार्ट इंडिया में नहीं बनता है, सब चीज़ वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट होके आती है। तो उसकी वजह से ये बाइक बहुत महंगी थी उस टाइम पे, ड्यूटीज और ये सब बहुत ज़्यादा था तो बहुत महंगी थी। अभी तो ये बाइक डिसकंटिन्यू कर दी गई है, Z1000 इंडिया से कावासाकी ने डिसकंटिन्यू कर दी है क्योंकि उसका सेल इतना ज़्यादा नहीं था। बाइक बहुत ही अच्छी है, नेकेड कैटेगरी में आती है 1000 cc। अभी इसको लीटर क्लास बोलते हैं कि नहीं बोलते वो मुझे नहीं पता है, बट ये बहुत महंगी आती थी उस टाइम पे, इसकी वजह से उसका सेल ज़्यादा नहीं हुआ था। बिकॉज ये प्राइस पॉइंट पे सब लोग 1000 cc लीटर क्लास में चले जाते हैं कि इतना पैसा खर्चा करना है, तो नेकेड बाइक में कोई इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहता है, तो उसकी वजह से ये बहुत रेयर है। मेरे पास जो बाइक है आई थिंक गुजरात की सेकेंड या थर्ड है, आई एम नॉट श्योर, बट गुजरात में 2 या 3 ही बाइक है टोटल मिला के Z1000, उसमें से एक मेरे पास है। आई एम द प्राउड ओनर ऑफ Z1000 कावासाकी, उसको सुगोमी डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो मैंने जॉब चालू किया उस टाइम पे, मैंने जब ये देखा था तब मैं करता था अच्छा खासा, उस टाइम पे भी सैलरी था पर इतना भी नहीं था कि मैं बाइक अफोर्ड कर सकूं। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट मेरी जो आप बोल सकते हो बाइक जो कुछ मैंने चलाई हो वो था यामाहा की YD125, जो मेरे डैड की बाइक थी, मुझे मिली थी मैं जब कॉलेज चालू किया था तब 10वीं 11वीं 12वीं में भी मैं साइकिल पे जाता था कॉलेज, अरे सॉरी नॉट कॉलेज, स्कूल और वो सब जगह पे, बट मैंने वो कॉलेज में चलाना चालू किया। उसके बाद बहुत बड़ा गैप हो गया और मैंने कुछ दूसरा कोई बाइक लिया नहीं था, बाद में मैं मोपेड चलाता था। उसके बाद वापस जब जाके मुझे लगा कि अभी बाइक की ज़रूरत है अच्छी वाली, तो मेरे डैड ने मुझे CBZ ला के दी थी उस टाइम पे, तो मेरे डैड ने वो मुझे खरीद के दी थी। तब मैं पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया था, मैं पढ़ते पढ़ते जॉब भी कर रहा था कि मैं मुझे एक अच्छा खासा पुश मिले जब मैं मेरा स्टडीज़ कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद तो मैं उस टाइम पे पार्ट टाइम जॉब करता था, मैं कैफे कॉफी डे में काम करता था एज अ पार्ट टाइमर। उसके बाद मैं बेंगलोर गया, मैंने बेंगलोर में बेंगलोर लीला पैलेस में काम किया हुआ है। उसके बाद मैं वहाँ से मुझे लगा कि मुझे फैमिली के साथ ही रहना है, तो मैं बड़ौदा वापस आ गया। उसके बाद मैंने एक इटालियन रेस्टोरेंट में जॉब चालू की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ वो रेस्टोरेंट का, अभी भी मैं वहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मैं उस रेस्टोरेंट का अभी नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मे बी कई लोग को पता भी है जो मुझे जानने वाले हैं मैं कहाँ पे काम करता हूँ, तो उनको पता चल भी जाएगा। रही बात, मैं वहाँ पे जॉब चालू किया, जब मैं 4-5 महीने वहाँ पे जॉब मेरा हो गया चालू, अच्छा खासा चल रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक और बाइक लूँगा। तब भी मेरे पास CBZ तो था ही, तब मैंने रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 लिया। मुझे लगा कि वाह हो गया, अच्छा खासा बाइक मैंने ले लिया ये वो, पर मेरे अंदर का बाइकर अभी भी बाकी था। तो थोड़ा टाइम चलाया, बाद में मैंने सोचा कि चलो मैं कार ही ले लेता हूँ, अभी कार ही चलाऊँगा, अभी बाइक वाइक नहीं चलाना है। उसके बाद में मैंने उसको चलाया कितना, 25,000 किलोमीटर्स मैंने उसको चलाया, अच्छा खासा चलाया। उसके बाद मैंने उसको बेच दिया और मैंने सोचा कि मैं एक कार ले लूँगा, अभी मुझे अभी बाइक नहीं चलाना है, मैं सरेंडर करता हूँ करके मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया। उसके 6-7 महीने बाद मेरे अंदर का बाइकर वापस से जागा, कीड़ा 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 जो बोलते हैं ना सुलेमानी कीड़ा, वो वापस से काटा मुझे बाइक का। मैंने फर्स्ट बाइक जो खरीदी वो सुपर बाइक में, जो मैंने हार्ली की खरीदी थी, हार्ली स्ट्रीट 750। मैंने सेकेंड में हार्ली के शोरूम से ही खरीदी अहमदाबाद, जो मैंने काफ़ी 3-4 महीने घुमाई,
5-6 महीने आई थिंक 5-6 मंथ मैंने उसको घुमाया। उसके बाद मैं हाल ही का हॉक का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जा रहा था मैं, तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि इसमें तो हाल ही की एक्चुअल फील ही नहीं आ रही है, क्योंकि 750 में वो पंच नहीं था जो हाल ही में होता है, जो उसका एक यूनिक क्या बोल सकते हैं, यूनिक जो उसका एग्जॉस्ट नोट है वो उसके अंदर नहीं था। और वो मुझे टू बी फ्रैंक वो मुझे बजाज की एवेंजर जैसी लगने लगी बाकी लोगों के साथ घूमने के बाद। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक दूसरी बाइक लेता हूँ, हार्ली डेविडसन स्पोर्ट्सटर कैटेगरी की 48 जो उनके पास डेमो में पड़ी थी, जो डेमो पीस वो लोग बेचने वाले थे। तो मैं उसके अंदर काफ़ी सारी 1.5 लाख की एसेसरी भी लगी हुई थी और उसके ऊपर मैं फर्स्ट ओनर होता और सारे हार्ली के जब से मैं लेता था तब से मुझे हार्ली का ओरिजिनल वारंटी भी मिलता। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद वो मेरे लिए नहीं बनी है क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वाइब्रेशन पसंद नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो वैसे भी राइड करने को मिलता नहीं है, हम लोग संडेज को ही जाते हैं और इतना कुछ राइड करता नहीं हूँ तो बाइक राइड के कुछ मतलब नहीं है। तो नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो ये बेच के गाड़ी अच्छी कोई खरीद लेता हूँ। उसके बाद आया और एक ट्विस्ट, आकाश ने ली नई उसने भी एक Z800 ली और जो 4 सिलेंडर का आवाज़ है वो मेरे कानों में गूंजने लगा जब मैंने पहली बार उसकी बाइक चलाई। तब से मैंने सोच लिया कि नहीं बाइक तो चाहिए। तो मैंने उसके बाद उसका देख के मैंने भी Z800 ली क्योंकि मुझे वो पसंद था कि उसका बाइक का आवाज़, तो मैंने वो बेची। उसके बाद मैंने Z800 ली। Z800 लेने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया चलाने में। मैंने 2-3 बड़ी बड़ी राइड्स की। यहाँ से मैं बड़ोड़ा से लवासा गया। उस टाइम पे मैं इनिशियली चालू कर चुका था मोटो व्लॉगिंग और वो सब चालू कर चुका था, पर प्रॉब्लम ये हुई कि जो मैंने SJKM लिया था उसका माइक एडेप्टर मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, माइक एडेप्टर में बहुत सारा प्रॉब्लम था और मुझे उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना था। उसकी वजह से मैं ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता था GoPro के ऊपर। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनकम YouTube से आएगा उसके बाद मैं अपग्रेड करूँगा, बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं चैनल चालू करना चाह रहा था और उसका माइक, पता नहीं, मैंने ओरिजिनल माइक ही लिया था SJKM का, पर उसका माइक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था तो बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट कैप्चर करता था और पता नहीं क्या अजीब सी आवाज़ आ रही थी, या तो फिर मेरा माइक ख़राब था। मैंने दूसरा माइक ट्राई करने का बहुत सोचा पर वो कुछ हुआ नहीं। ये वो मैं फ्रस्ट्रेशन में मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी उस टाइम पे भी मैं डाल नहीं पाया। होप कि वो वीडियो मैंने डिलीट नहीं की हुई थी तो कुछ तो मैं अभी यूट्यूब पे डाल सकता था, पर क्या करूँ मैंने सब डिलीट कर दिया गुस्से के मारे। तो वो बाइक मैंने उस टाइम पे Z800 ली और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तब जाके मुझे पता चला कि ये एक Z1000 जो बिकने वाली है और वो अच्छी कंडीशन में है। तब जाके मैंने मेरी ये ड्रीम बाइक मैंने खरीदी। उसको मैंने पर्सनल लोन लिया उसके ऊपर मैंने खरीदा और वो थोड़ा बजट के ऊपर ही जा रही थी, बट मैंने सोचा कि नहीं अभी ख़रीदना है तो खरीद ही लेता हूँ, आज मौका है, कल शायद मिले ना मिले। ऐसे मैंने बोला Z1000 जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है इंडियन मार्केट से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। जब वो इम्पोर्ट होके आ रहे हैं उसको बोलते हैं CBU यूनिट, कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, ऐसा कुछ तो है बोलते हैं। तो वो क्या है कि उसका सब चीज़ पार्ट, सब फिटिंग विटिंग, सब पूरा का पूरा बाइक बन के वहाँ से इंडिया में आता है, जापान से बन के इंडिया में आता है। और मुझे अभी भी लगता है कि Z1000 और 10 साल तक वो पुरानी नहीं होगी बिकॉज उसका लुक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। तो मैंने सोचा कि अभी ये ले ही लेते हैं। और है ये, और ये आप देख ही सकते हो कि अभी मैं पिछले तीन महीना आई थिंक हो गया है, मेरा बहुत सारा प्लान्स था, मेरा और आकाश का, हम लोग जाने वाले थे लद्दाख या फिर इधर उधर कहीं पे भी बड़ी राइड्स करने का सोचा था, बट क्वारंटाइन की वजह से और ये कोरोना की वजह से सब अभी घर पे बैठे हैं, बाइक भी घर पे बैठी है। तो अच्छे मोटो व्लॉगिंग आने वाले थे बट वो हो नहीं पाया। तो यही था मेरा छोटा सा स्टोरी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है बाइक लेने के लिए, मैंने अभी तक एक भी नई बाइक नहीं ली है। बोल सकते हो कि मैंने 48 नहीं ली थी पर वो डेमो बाइक थी, बट मुझे वो भी बहुत पसंद थी। Z800 तो मुझे बहुत पसंद थी,
मेरा छोटा सा ड्रीम है कि मेरे पास जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा उसके बाद मेरे घर के बाहर में सारी कैटेगरी की एक एक बाइक रखूंगा। देखते हैं कि वो सपना, मेन चीज है वो सपना पूरा कब होगा, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे छोटे बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, मैंने बोला था, वो छोटे बच्चों ने कमेंट किया था कि हमको भी हमारी ड्रीम बाइक लेनी है ये वो। तो मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, पापा मम्मी के पास से पैसा मत मांगो कि मुझे बाइक लेनी है ये वो। जो मज़ा आप खुद के पैसों से खरीदोगे बाइक, जो प्राउड आप फील अपने आप पे करोगे, वो आपको नॉर्मली उसमें नहीं होगा जब मम्मी पापा आपको वो चीज़ ला के देंगे। जब आप अपना गोल बनाओगे, मतलब गोल में तो क्या है, आपको अगर सुपर बाइक खरीदनी है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करो ये वो, और उसके बाद लोन तो थोड़ा सा इधर उधर से मिल ही जाता है। अभी तो आसानी से लोन मिलता है अगर आपका सैलरी अच्छा है तो, बिकॉज उसका भी हफ्ता 8-10 हज़ार के ऊपर ही होता है। अगर आप वो तो लोन कितनी लेते हो उसके ऊपर है, और PL भी ले सकते हो अगर आपका सिबिल अच्छा है। तो मैंने उस हिसाब से मैंने स्ट्रगल करके लिया है, बट आई एम प्राउड ऑफ मी राइट नाउ कि मैंने जो भी किया है अपने खुद के पैसों के ऊपर किया है। मैंने मॉम डैड को परेशान नहीं किया है। मैंने जैसे बोला मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो हम लोग भी अफोर्ड तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते थे। मेरे पापा मुझे लेके भी दे सकते थे, उन्होंने ही मुझे रॉयल एनफील्ड भी गिफ्ट किया था। उस टाइम पे वो 160 का था। तो ये मेरा एक सजेशन है, लेना है तो ले सकते हो, कि जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाओ तब तक ये सब चीज़ें मत करो। मम्मी पापा को परेशान मत करो कि ये भाई बाइक चला रहा है, मुझे वैसी बाइक लेनी है, वो ले रहा है मुझे लेनी है। हाँ, मेरे अंदर भी अभी भी बच्चा है। और दूसरी बात, इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने ये जो बाइक्स और वो ख़रीदा है, मैं राइट नाउ आई एम 34, मेरा 34 चल रहा है, अगस्त में कम्प्लीट होगा। तो मैंने अपने पैसों से लिया है और मैंने अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए ऑलमोस्ट 32 ईयर्स के बाद मैंने सुपर बाइक्स ली है। जो मेरी पहली स्ट्रीट 750 है, मैं 32 ईयर्स का था तब मैंने ली है अपने लिए। और मेरी वाइफ भी मुझे ये सब चीज़ में सपोर्ट करती है, तो उससे अच्छी बात क्या है। और मेरे डैड, मॉम, एवरीवन इज़ प्राउड राइट नाउ कि मैं अपने पैसों से ये सब कर रहा हूँ। तो होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी वो आई बटन में डाल दूंगा, और प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो हियर हेल रॉकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।